ओम रिम नमो अरहंताणं, ओम रिम नमो सिद्धाणं, ओम रिम नमो आयरियाणं, ओम रिम नमो उपच्छायाणं, ओम रिम नमो लोके सव्वसामूलं, ओम रिम नमो अरहंताणं, ओम रिम नमो सिद्धाणं, ओम रिम नमो आयरियाणं, ओम रिम नमो उवच्छायाणं, ओम रिम नमो लोके सव्वसामूलं, ओम रिम नमो अरहंताणं, ओम रिम नमो सिद्धाणं, ओम रिम नमो आयरियाणं, ओम रिम नमो उवच्छायाणं, ओम रिम नमो लोके सव्वसामूलं। एषो पञ्चेण उपकारो सर्वपाप प्रणाशनो मङ्गलाणां च सव्येषिं परमं भवै मङ्गलम्। परमं भवै मङ्गलम्। आराध्य देवी चरणों में वंदन। आदि तीर्थंकर प्रभु ऋषभ के चरणों में वंदन। बंधु एवं बहनों, भक्तामा स्तोत्र चैलेंज में हम अब एकदम किनारे पर आ चुके हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं 40वां और 41वां श्लोक। सबसे पहले 40वें श्लोक का उच्चारण सीखेंगे। अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। 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 सेकंड लाइन। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ। 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 अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ। अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ। अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ। तीसरी लाइन। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोल्वण वाड़वाग्नौ। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। चौथी लाइन। त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति।
अम्भो निधौक्षुभितभीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वण वाण वाग्नौ रंगत्तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दुर्वण वाड वाग्नौ रंगत्तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। अम्भो निधोक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वण वाड वाग्नौ रंगत्तरंग शिखर स्थित यान पात्रास तासं विहाय भवत स्मरणाद् व्रजन्ति। संधि विच्छेद भयद और उल्वण, द में ऊ है, सॉरी द में आ है और पीछे ऊ है, भयद उल्वण और हाँ यहाँ पर भी है पात्रास, तो विसर्ग था, विसर्ग को स हो गया था। अन्वय क्षोभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयद उल्वण वाड वाग्नौ अम्भो निधौ रंगत्तरंग शिखर स्थित यान पात्रः भवतः स्मरणात् त्रासं विहाय व्रजन्ति। मतलब क्या होता है, क्षोभित मीन्स एकदम क्रुद्ध हुए हुए, भीषण विकराल, नक्र मीन्स मगरमच्छ, चक्र घड़ियाल, पाठीन पाठीन नाम का एक मत्स्य है और पीठ पीठ जाके जाति के महामत्स्य, मतलब ये बड़े बड़े मत्स्य है, समुद्र में होने वाले बड़े बड़े मत्स्य हैं पाठीन और पीठ, इसको महामत्स्य कह सकते हैं। और भयद उल्वण, भयंकर या फिर भय को पैदा करने वाली, उल्वण में प्रज्वलित क्या है, वाड़वाग्नौ, वाड़वाग्नि समुद्र में जो पानी में जो आग लगती है उसको वाड़वाग्नि कहते हैं। वाड़वाग्नौ वाड़वाग्नि से युक्त अम्भो निधौ समुद्र में रंगत तरंग उछलती हुई लहरों के शिखर मीन्स अग्रभाग पर स्थित यान पात्र, जो उस पर स्थित जहाजों वाले व्यक्ति भवत स्मरणाद आपके स्मरण से त्रासम विहाय भय को छोड़कर भय से मुक्त होकर के व्रजंती पार हो जाते हैं। क्षुभित गॉट एंग्री भीषण हॉरिबल नक्र क्रोकोडाइल चक्र एलिगेटर पाठीन, पाठीन इट्स अ नेम ऑफ एनिमल विच लिव्स इन oceans and peat, it's also mahamatsya of peat class, means it's a mahamatsya means a very big fish like that, and bhayad horrifying, ulvan ignited, baad vaagno marine fire, ambho nidhau in the ocean, rangat tarang of the rising waves, shikhara at the top, sthit located, yana patra people sitting in the ships, bhavatah your smaranad remembering, trasam to fear, vihai living means freed up of fear, so that they became fearless, vrajanti means cross over or delivered to sakti. So, O Jinendra, your devotees, remembering your name and freed from fear, and what happens to them? They're delivered to Sakti. When riding in the craft, being tossed about on the crest of agitated waves in an ocean infested with ferocious groups of crocodiles and sharks amidst scary marine fire. हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, तुम्हारा जो भक्त है वो जब तुम्हारे नाम का स्मरण करता है तो वो सारे भय से मुक्त हो जाता है, और यहाँ तक कि वो ऐसे समुद्र में यात्रा कर रहा है जो जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, पाठीन, पीठी, सारे जो जीव है
जो पानी के जीव, हिंसक जीव हैं, वो एकदम गुस्से हो रखे हैं क्योंकि बाढ़ मतलब समुद्र में आग लगी हुई है और हवा के थपेड़े भी लग रहे हैं, तो वो आग और उस सब के कारण वो एकदम गुस्से में आए हुए हैं। और वैसे एकदम आग भी भयंकर लगी हुई है, वैसे स्थिति में भी जब तुम्हारा भक्त तुम्हारा नाम लेता है तो वो भय से मुक्त हो जाता है और उसकी जो नौका है वो पार लग जाती है। अम्बो निधोक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्वण वाड वाग्नौ रंगत रंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवते स्मरणाद्रजंती। एक चालीस गाथा, सबसे पहले उच्चारण। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः। दूसरी लाइन, शोच्याम दशा मुपगताश च्युत जीविताशः, शोच्याम दशा मुपगताश च्युत जीविताशः, शोच्याम दशा मुपगताश च्युत जीविताशः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश च्युत जीविताशः, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः। तीसरी लाइन, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। चौथी लाइन, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्चित जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्चित जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। संधि विच्छेद।
दशाम उपगता, म हलंता पीछे ऊ था तो म में ऊ मिल गया, दशाम उपगता। अ के बाद विसर्ग था और पीछे अ था तो विसर्ग को ऊ हो गया और ऊ मिलके ओ हो गया और इस अ का लोप हो गया। रजो मृत और मर्त्या, विसर्ग का लोप हो गया यहाँ। अन्वय, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशाम उपगतः स्च्युत जीविताशः मर्त्यः त्वत्पाद पंकज रजः अमृत दिग्ध देह मकर ध्वज तुल्य रूपः भवन्ति। उद्भूत मीन्स उत्पन्न हुए, भीषण भीषण मीन्स भयंकर, जलोदर जलोदर के रोग से, रोग के भार भुगदा भार से झुके हुए, शोच्याम शोचनीय दशाम स्तुति को उपगतः प्राप्त हुए और च्युत छोड़ दी है जीवित आशा जिन्होंने जीने की आशा, मर्त्यः ऐसे मनुष्य त्वत्पाद आपके चरण पंकज मीन्स कमल की, रज रज रूपी अमृत अमृत को दिग्ध देह शरीर पर लगाने से मकर ध्वज कामदेव के तुल्य रूप समान रूप वाले भवंती बन जाते हैं। उद्भूत भीषण अपियर्ड टेरिबल जलोदर एक्साइट्स डिजीज, इट्स वेरी बिग डिजीज, भार भुगता बेंडिंग ओवर और डिसफिगर्ड शोच्या लेवन टेबल दशाम टू पोजिशन ऑफ स्टेट उपगतः अक्वायर्ड च्युत हैज लेफ्ट जीविताशा हु हैज लेफ्ट द होप टू लिव और सर्वाइवल मर्त्यः सच ह्यूमंस त्वत्पाद योर फीट पंकज लोटस रजः डस्ट अमृत नेक्टर दिग्ध देहा एनॉइंटिंग मकर ध्वज कामदेव तुल्य रूपः रिजेम्बलिंग भवन्ति बिकम। O omniscient and extremely sick and disfigured with terrible disease, who lost all hopes of recovery and survival, those who anoint themselves with the nectar like dust of your lotus feet are recovered and become handsome as Kamdev. कहने का मतलब है कि हे प्रभु, ऐसा व्यक्ति जो जलोदर के रोग के कारण एकदम उसके भार से जो पेट, मतलब उस पेट इतना फूल गया है, उसके भार से उसका शरीर पूरा झुक गया है और शरीर एकदम बेढंगा सा हो गया है, जीने की जिसने आशा छोड़ दी है, वैसा व्यक्ति भी जब आपके चरणों की धूल को, माटी को अपने शरीर पर लगाता है, मतलब चरण की धूल रूपी अमृत को, आपकी चरण धूली भी जो है वो अमृत के समान काम करती है, तो उसको जब वो अपने शरीर पर लगाता है तो वो शरीर उसका जो है, वो रोग तो उसका नष्ट होता ही होता है, पर उसका शरीर भी जैसे मानो कामदेव के जैसा वो सुंदर बन जाता है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना शोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः। किसी को कुछ भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर सबका कंठस्वर शुरू करेंगे।